हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। आज हम बात करने वाले नीट पीजी 2020 को लेकर के, क्या क्या फ्रेश अपडेट्स हैं, न्यू अपडेट्स हैं और कौन कौन से स्टेट से ये अपडेट्स हैं। कर्नाटका ने अपनी राउंड टू काउंसलिंग की स्केड्यूल ऑलरेडी जारी कर दी है और MCC की चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑन गोइंग है। MCC की रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की आखिरी डेट जो पहले 9 जून 2020 शाम के 5 बजे तक रखी गई थी, उस डेट को अब बढ़ा दिया गया है। तो देख लेते हैं अलग अलग स्टेट की, अलग अलग स्टेट में कौन कौन से वैसे स्टेट हैं जिन्होंने अपनी राउंड टू काउंसलिंग की स्केड्यूल जारी कर दी है और स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्या डेट्स रखे गए हैं। साथ में MCC ने अपनी डेट बढ़ा करके अब जो फ्रेश डेट, न्यू डेट्स रखे हैं, वो डेट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल स्टेट ने कर्नाटका के बाद अपने राउंड टू काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सभी स्टूडेंट जो वेस्ट बंगाल स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट www.wbmcc.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान उन्हें 3,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होगी और इसके बाद उन्हें वो वेस्ट बंगाल की राउंड टू काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। नॉन डोमिसाइल के लिए एक ही प्राइवेट कॉलेज वेस्ट बंगाल में है, KPC, जिसकी फीस पिछले साल 53,50,000 रुपीज रखी गई थी, मगर इस साल बढ़ा करके 63 लाख का पैकेज कर दिया गया है। तो वैसे स्टूडेंट जिनके बजट में ये फीस आती है, 63 लाख की बजट आती है 3 साल की, वो अगर इस एक कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और जिनके बजट में ये फीस आती है वो अगर चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि बाकी स्टेट्स की तरह 2 लाख रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वेस्ट बंगाल के लिए नहीं ली जा रही है। तो आप एक चांस जरूर वेस्ट बंगाल के लिए रख सकते हैं और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी डेट 10 जून 2020 रात के 11:55 तक रखी गई है। 10 जून 2020 रात के 11:55 से पहले ही आपको अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करनी होगी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार की ऑनलाइन है, जिसके लिए आपको वेस्ट बंगाल की जो साइट दी गई है, जो ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल आईडी पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। उन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को स्कैन करना है और सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको मेल करना है। 10 से 15 जून के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रखी गई है। इसी बीच आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं दिए गए मेल आईडी पे और उसके बाद वेस्ट बंगाल राउंड टू काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी करने की डेट 16 जून 2020 रखी गई है। 16 जून 2020 को स्टेट मेरिट लिस्ट राउंड टू काउंसलिंग के लिए, वेस्ट बंगाल की राउंड टू काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और सीट मैट्रिक्स जारी उसके बाद होगी, जिसे 23 जून 2020 को की जाएगी। सीट मैट्रिक्स जारी करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड टू काउंसलिंग के लिए अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है या फिर जिन्होंने राउंड वन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया था और उन्हें अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के लिए डेट 24 जून और 25 जून, ये 2 दिन का टाइम चॉइस फिलिंग के लिए रखा गया है। चॉइस फिलिंग 25 जून 2020 से पहले ही करनी है, मतलब 24 जून और 25 जून, ये 2 दिन जो रखा गया है वो चॉइस फिलिंग के लिए रखा गया है। चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट पब्लिश की जाएगी और वेस्ट बंगाल राउंड टू काउंसलिंग की रिजल्ट 30 जून 2020 को राउंड टू काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक ही प्राइवेट कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, जिसकी फीस 63 लाख टोटल कंप्लीट पैकेज है, जो वन टाइम पेमेंट करनी होती है। उस कॉलेज का नाम है KPC। कॉलेज अच्छी है, इस कॉलेज में सभी क्लिनिकल ब्रांचेस आपको मिलेंगे, सिर्फ डर्मा और साइकेट्री की ब्रांचेस नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए नहीं है, मतलब साइकेट्री और डर्मा की सीटें नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए नहीं है, बाकी सभी ब्रांचेस में नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें हैं।
इसके बाद आते हैं अगली स्टेट जो है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी ने भी अपनी राउंड टू काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी अमाउंट लेनी स्टार्ट कर दी है। पौंडीचेरी में राउंड टू काउंसलिंग के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन के पोर्टल को ओपन नहीं किया गया है, मतलब न्यू स्टूडेंट जिन्होंने पौंडीचेरी के लिए राउंड वन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो राउंड टू काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। कुल मिलाकर बात यही है, जिन्होंने राउंड वन काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया सिर्फ वो ही स्टूडेंट राउंड टू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर वो चाहते हैं पार्टिसिपेट करना तो उन्हें 2 लाख रुपये की सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी। सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के लिए आखिरी डेट 11th of June 2020 रखी गई है, और 11th of June 2020 सिक्योरिटी अमाउंट के साथ जमा करने के साथ साथ चॉइस फिलिंग की भी आखिरी डेट है। मतलब पहले आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी है और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के लिए पौंडीचेरी में टोटल 3 कॉलेजेस हैं, जिसमें तीन कॉलेज जो हैं वो कौन कौन से कॉलेज हैं, एक मनकुला, दूसरा पिम्स और तीसरा SBIMS, जिसमें पिम्स और SBIMS वहाँ की माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जिसके लिए माइनॉरिटी सीट्स को मैनेजमेंट सीट्स में कन्वर्ट सेकेंड राउंड के बाद की जाएगी। अभी सेकेंड राउंड में ये दोनों कॉलेजेस नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होंगे, क्योंकि ये माइनॉरिटी सीट्स हैं इन कॉलेजेस में, ये माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। मगर अगर इन कॉलेजेस की माइनॉरिटी की सीट्स खाली बच जाती है तो उन सीट्स को सेकेंड राउंड के बाद, मतलब मॉप अप राउंड के लिए जो बची हुई सीट्स होंगी उनको मैनेजमेंट सीट्स के लिए कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उस टाइम कोई भी स्टूडेंट जो नॉन डोमिसाइल हो, जो नॉन माइनॉरिटी भी हो, वो भी चाहे तो अप्लाई करके उस सीट को पा सकते हैं। तो 3 कॉलेजेस हैं, मनकुला, पिम्स और SBIMS। पौंडीचेरी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि 50,000 से 60,000 जिसकी रैंकिंग आ रही है ऑल इंडिया रैंक, वो अगर चाहें तो पौंडीचेरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें अपर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने के चांसेस हैं। जब हम पौंडीचेरी की फीस की बात करते हैं तो वहाँ की फीस 23 लाख पर एनम है, मगर कॉलेजेस से पता करने पर ये बात पता चली है कि एक्स्ट्रा 8 लाख रुपए, 8 लाख एक्स्ट्रा स्टूडेंट को पे करने होंगे, और वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं उसमें हॉस्टल चार्जेस प्लस अदर मिसलिनियस चार्जेस, कॉशन मनी वगैरह वगैरह जैसे चार्जेस मिलाकर के कंबाइनली वो टोटली 8 लाख, 8 लाख पर एनम एक्स्ट्रा वो चार्ज कर रहे हैं। मतलब 23 लाख प्लस 8 लाख, 31 लाख की आपकी पर एनम फीस बन जाती है जब आप पौंडीचेरी के कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हो तो। और तीनों कॉलेजेस के लिए फीस लगभग सेम ही रहने वाली है। पौंडीचेरी की बात करने के बाद अब आते हैं MCC की राउंड टू काउंसलिंग के लिए। MCC की राउंड टू काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की आखिरी डेट 9th of June 2020 रखी गई थी शाम के 5 बजे तक की, अब उस डेट को बढ़ा दिया गया है, और अब जो फ्रेश डेट्स दिए गए हैं, जो स्केड्यूल दी गई है उस डेट को बढ़ाने के बाद, एक्सटेंड करने के बाद, वो डेट्स क्या हैं। 10th of June तक रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने की लास्ट डेट है 10th of June, जो पहले 8 तक थी उसे बढ़ा करके 10th of June 2020 तक कर दी गई है। 10 June 2020 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराया तो MCC के राउंड टू काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और चॉइस और पेमेंट भी कर सकते हैं। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद चॉइस फिलिंग की बात आती है। चॉइस फिलिंग की आखिरी डेट 11th ऑफ जून 2020 रखी गई है, दिए गए समय से पहले आपको अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट करनी होगी। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग की है उनके लिए लॉक ऑप्शन, जो लॉक फैसिलिटी है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में जो लॉकिंग की फैसिलिटी है वो स्टार्ट नहीं हुई है, वो मोस्ट प्रोबेबली 11th को ही स्टार्ट की जाएगी। आप एक बार आज शाम को भी चेक कर सकते हैं, मगर मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट दिन ही स्टार्ट की जाएगी, और ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के फेवर में है कि लॉकिंग फैसिलिटी अभी नहीं दी जा रही है। आप सभी स्टूडेंट्स को करना क्या है, अगर आपने चॉइस फिलिंग कर ली है तो उन्हें सेव कर लें, लॉक ना करें, जिससे कि लॉक करने से पहले अगर आपको थोड़ा और समय मिल जाएगा, और उस समय में यदि आपको कुछ किसी इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है तो वो इम्प्रोवाइजेशन आप कर पाओ। तो इसीलिए लॉकिंग फैसिलिटी का अच्छा है कि वो अगर 11th को स्टार्ट होती है तो, और स्टूडेंट्स को लॉकिंग करनी भी चाहिए अंतिम दिन ही, ताकि कुछ समय मिल जाए कुछ और गलतियां अगर हुई है तो उसको सुधारने के लिए।
इसके बाद 14th ऑफ जून 2020 को रिजल्ट पब्लिश की जाएगी और रिपोर्टिंग के लिए 15th ऑफ जून से लेकर के 22nd ऑफ जून 2020 का 20 तक का डेट दिया गया है। 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में रिपोर्टिंग आपको करनी है। हालांकि रिपोर्टिंग को लेकर के ये क्लियर नहीं की गई है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है या फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जिसे लेकर के हमें और स्टूडेंट्स को इंतज़ार रहेगा कि इस बार की रिपोर्टिंग भी सिर्फ ऑनलाइन होनी है या फिर फिजिकल करनी भी मैंडेटरी है, इसका इंतज़ार ज़रूर स्टूडेंट्स को रहेगा। तो ये कंप्लीट अपडेट्स थी एमसीसी और अदर स्टेट्स की सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर के, जिसमें हमने देखा कि वेस्ट बंगाल की राउंड टू काउंसलिंग की स्केड्यूल आ चुकी है, पौंडीचेरी की राउंड टू काउंसलिंग की स्केड्यूल आ चुकी है और एमसीसी की राउंड टू काउंसलिंग को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, जिसके डेट्स को हमने इस वीडियो में देखा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, यदि या फिर आप दिए गए कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। यदि करियर मीडिया से सर्विसेज चाहिए और पेड सजेशंस चाहिए तो आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा, जिसमें हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन जहाँ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।